इंडिया के अंदर हर 1000 बच्चों में से 32 बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी सोते सोते सडन डेथ हो जाती है, कोई भी वजह पता नहीं लगती। इसे हम सिड्स बोलते हैं, यानी कि सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। इसकी एक बहुत कॉमन और बहुत मेजर वजह होती है बच्चों का दम घुटना। तो दोस्तों, बच्चे की जो सोना है, उसकी जो स्लीप है, उसे हमें सेफ बनाना है, सिक्योर बनाना है, ताकि कोई भी बच्चा इस तरह से ज़ाया ना हो, इस तरह से किसी भी बच्चे की डेथ ना हो, क्योंकि हर बच्चा प्रीशियस है और हर बच्चा अनमोल है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नूर आलम खान, आपका अपना पेडियाट्रिशियन। दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल हिंदी चैट पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों के सोने पे आपको क्या क्या चीज़ ध्यान देनी है, बच्चों के सोने को कैसे सिक्योर बनाना है, कैसे सेफ बनाना है, किन बातों का ध्यान रखें कि ये सीड्स किसी बच्चे के साथ ना हो। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, पहला पॉइंट आपको ध्यान ये रखना है कि आपको हमेशा अपने बच्चों को उसकी बैक के बल लिटाना है, उसकी बैक बेड सटी भी होनी चाहिए, बच्चों को लेटरल या उल्टा नहीं लिटाना है, क्योंकि उन बच्चों में सिड्स ज़्यादा देखा गया है जो लेटरल या उल्टा लेटते हैं। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान देना है कि जो बच्चे का बेड होगा वो बहुत ज़्यादा कुशन नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसमें गद्दे नहीं होना चाहिए कि उसमें लेटते ही कुशन दब गया और बच्चा उसमें चला गया। अगर ऐसे में बच्चे की पलट के नाक या मुंह उस पर आ गया तो वो दब जाएगी और बच्चे का दम घुट सकता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि आप हमेशा कोशिश ये करें कि बच्चा आपके पास सोए, आपके साथ सोए। अगर आप बच्चे को पालने में या क्रीप में लिटाते हैं तो क्रीप को अपने बेड के पास रखें, कभी भी बच्चों को अपने से दूर, ऐसा नहीं कि आप बेड पर लेटे हुए हैं और बच्चे का पालना इतना दूर है कि बच्चे की किसी एक्टिविटी को, किसी भी हरकत को आप देख नहीं पा रहे हैं और बच्चा आपका डिस्टेंस में होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। और चौथा पॉइंट ये है कि बच्चे के बेड में या बच्चे के क्रिब में कोई भी लूज कपड़ा, ब्लैंकेट, कोई कपड़ा, एक्स्ट्रा चादर या कुशन या एक्स्ट्रा पिलो, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ये सब रहेंगे तो बच्चों का सफोकेशन खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिफ्थ पॉइंट दोस्तों ये है कि कोई भी मौसम हो, सर्दी हो, चिल्ड मौसम हो, ठंड पड़ रही हो, कुछ भी हो, लेकिन आपके बच्चे को मुंह कभी नहीं ढकना है। बच्चे का मुंह हमेशा खुला हुआ होना चाहिए। आप पूरी बॉडी ढक दें, सर में कैप लगा दें, लेकिन इतना मुंह बच्चे का हमेशा खुला रखना है, इसको ढकना नहीं है। और छठा पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके घर में दूसरा बच्चा है जो थोड़ा बड़ा है तो बच्चों को अक्सर होश ही रहता है कि नींद में वो कहाँ पर हैं, कहाँ लेटे हैं, क्या कर रहे हैं। तो कोशिश ये करिए कि अगर आप सीधे लेटे हैं तो एक बच्चे को अपने इस साइड लिटाइए और एक बच्चे को अपने इस साइड लिटाइए। छोटे बच्चे का कुछ नहीं पता होता है कि बच्चा कब नींद में बच्चे के ऊपर आ गया, बच्चे के ऊपर चढ़ गया, उसको दबा दिया, अपने हाथ उसके नाक पर रख दिया या अपना हैंड या शोल्डर बच्चे के नाक पे, मुंह पे पड़ गया, बच्चे के इससे दम घुटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कोई बड़ा भी अगर है, एडल्ट है, मानी बच्चे के पापा है या कोई और है जो बच्चे के पास सोता है और उसको भी नींद में कुछ नहीं पता रहता कि वो कहाँ जा रहा है, तो ऐसे आदमी बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। बच्चों को दबा सकता है, बच्चे के हाथ पैर डैमेज हो सकते हैं, हड्डी टूट सकती है। इसलिए आप कोशिश ये करिए कि ऐसे लोग बच्चे के पास बिल्कुल भी ना सोएं। और अगला पॉइंट दोस्तों ये है कि कोशिश ये करिए कि बच्चे के एक साइड मदर हो और दूसरे साइड या तो बेड का हेड वाला एंड हो या फिर कोई वॉल हो या फिर जो आजकल प्लास्टिक के या फाइबर के पीवीसी के रेलिंग आ रही है जो बेड के साइड में लगा दिया जाता है बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, इसे हम प्रोटेक्शन साइड वॉल कहते हैं। यह आप लगवा सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर मुझे मिला तो, वरना आप सर्च करके अमेजन या फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं। एट्थ पॉइंट ये है कि मान लीजिए अगर वॉल भी नहीं है या कोई भी ऐसा सपोर्ट नहीं है तो फिर आप बेड के नीचे वहाँ पर मोटे गद्दे या कुशन ऐसा डाल दें कि सपोज करिए रात में किसी वक्त अगर बच्चा गिर जाता है तो वो कुशन या पिलो या फिर गद्दे पर गिरे और उसको चोट कम से कम आए। नाइन्थ पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर हमने देखा होगा बच्चे जहाँ पे लेटे हैं वहीं पर मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, वहीं पर लैपटॉप का चार्जर पड़ा है, तो इस चीज़ आपको नहीं करनी है। किसी भी तरह का वायर है नहीं रखना है, चाहे वो ईयरफोन हो, चाहे वो चार्जर हो, चाहे वो लैपटॉप का चार्जर हो, क्योंकि कोई भी है कोई चार्जर पड़ा है, बच्चे ने करवट ली और उससे गले में लिपट गया और उसने खींचा और दम घुट गया, तो ये चीज़ें बहुत कॉमन है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकती हैं बच्चों के लिए। इसलिए जहाँ भी बच्चा सो रहा है वहाँ पर कोई भी इस तरह का स्ट्रक्चर, कोई भी इस तरह का वायर्ड चीज़ें, दुपट्टा वगैरह भी वहाँ पर ना हो। जब भी आप बच्चे से दूर हो, बच्चा कमरे में अगर सो रहा है तो कभी ऐसा ना करें कि आपको बच्चे को कमरे में लिटा के और डोर आपने बंद कर दिया। डोर हमेशा खुला होना चाहिए, बच्चों को थोड़ी देर पर चेक करते रहें और कभी भी बच्चों को अनअटेंडेड ना छोड़ें। ऐसा ना हो कि बच्चा अकेले सो रहा है और आप कहीं दूर चले गए, किसी काम में फंस गए। अगर आप किसी काम में फंसे हैं, घर में कोई और मेम्बर है, उसको अपने पास रखिए। कुछ पेरेंट्स अकेले होते हैं, आसपास कोई नहीं होता, वैसे में आप ये कर सकते हैं कि आप कोई बाउंसर या क्रीब ऐसा ले लें जो कि मूवेबल हो और जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, आप किचन में खड़े हो, आप
लॉबी में हो, कहीं भी हो, आप उसको अपने साथ ले जाके वहीं पर बच्चों को अपनी नजरों के सामने रखिए। ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं, इनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके बच्चे की जो स्लीप है, नींद है, वो सेफ हो सकती है और बच्चों को जो सीट्स है यानी कि इस तरह के डेंजर चीजों का खतरा कम से कम हो सकता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, जिसके भी छोटे बच्चे हों तो शेयर जरूर कर दीजिए, और ऐसी ही जानकारी अगर आप चाहते हैं, देखते रहना चाहते हैं, तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखते रहिए हमारे चैनल। थैंक यू।